न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समाण की राम राम। आज लिलोदा पिरथला रेलवे स्टेशन के ऊपर हाँ, और आप देखने लग रहे हो इस रेलवे स्टेशन के ऊपर सारा दिन गहमा गहमी रहा कर दी, आन जाने वाले की भीड़ लागी रहा कर दी, और ट्रेन हिसार तै पंजाब मर पंजाब तै हिसार हरियाणा में लगातार 10 ट्रेन दौड़िया कर दी, 10 की 10 ऐडा आँधी जाती रुकया कर दी। लेकिन जिस टाइम कोरोना काल आया उसके बाद यो रेलवे स्टेशन एक सुनसान बन गया, वही रेलवे स्टेशन है जड़ा लगातार सारा दिन ब्याह वर्गा काम रहा करता, लेकिन ई बिस पे देखने में भी आदमी नहीं पाता। उसे सिचुएशन में दोबारा लेके आने खातर 15 दिन तक ने धरना रखा है, ताकि आ जाने वाली ट्रेन सारी रुकें और जो हिसार जावे हैं या पंजाब में जावे हैं वो परेशान ना हो यात्री, क्योंकि आड़ा 22 लागे हैं इस रेलवे स्टेशन पर और 22 गांव में तो बहुत सारे यात्री हिसार जाने खातर सवेरे भटकते हुए नज़र आवे, क्यों को पैदल जावे है दूर है, जो टुआना है वो काफ़ी दूर है, टुआना तो हिसार की बस पकड़े हैं लेकिन उनको काफ़ी परेशानी है। उस परेशानी को मेटन खतर किसान यूनियन 15 दिन तक धरना पर बैठी है। 22 गामा के छात्र छात्राएं इतने परेशान हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आवा है। दिखा दे भाई एक जमा सुनसान पड़े, ईंट खुरन लाएगी, ऐसा हाल हो रहा है जिन्हों आड़ा कदे कोई रहा ही कुछ नहीं करता, एक सुनसान बन गया यू रेलवे स्टेशन। 1905 में यू रेलवे स्टेशन आड़ा बनाया गया था, और ईब ईसा हाल हो रहा है इस रेलवे स्टेशन का, आड़ा देखने में कोई आदमी नहीं पाता। तो पूरी जानकारी जो धरना पर बैठे हैं किसान यूनियन के सदस्य हैं उन पर लेवांगे कि मामले को लेकर कर रहे हैं। देखिए आज हमारा प्रदर्शन का लगभग 16 दिन हो चुके हैं हमें। हमारी मांग ये है कि कोरोना काल से पहले यहाँ पर सभी ट्रेनें का ठहराव होता था, 10 ट्रेन यहाँ पर रुकती थी, 5 आने की और 5 जाने की, लेकिन कोरोना का बहाना लगाकर केवल 1 ट्रेन हमें आने की दे रखी है और 1 जाने की, जो हमारी 8 ट्रेनें हैं वो बंद कर दी गई है। कोरोना चला गया, हमने सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, सांसद दुग्गल से, सुनीता दुग्गल से लगभग 2 साल से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी जायज़ मांग है, इलाके की बहुत बड़ी मांग है, 20 गाँव इससे यहाँ पर हिसार और लुधियाना के लिए आते जाते हैं, हिसार हमारा शिक्षा का हब है, लुधियाना हमारा बड़ा बाजार का, बहुत बड़ा हम सामान लाते हैं जाते हैं, और ये कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी गई है। हमें बार बार मिल गया कि मिले हैं सरकार के नुमाइंदों से, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हमें केवल आश्वासन और आश्वासन ही देते हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रेनों का, 1 ट्रेन को छोड़ के किसी ट्रेन का ठहराव नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये विषय है। और 1905 में स्टेशन बना था, कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि यहाँ पर ट्रेनें बंद हुई हो, लेकिन अब 3 साल से रोजाना देखिए महीने का लाखों रुपए रेवेन्यू प्राप्त होता है, और लगभग हर रोज 1500-900 के बीच में यहाँ पर यात्री जो है सफ़र करते हैं। पिछले जब से कोरोना काल आए 120 साल पुराने रेल स्टेशन पर सरकार द्वारा कोरोना के नाम पर यहाँ ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया, उसके बाद कोरोना चले जाने के बाद भी यहाँ पर पत्राचार द्वारा यहाँ के नुमाइंदों से मिलकर यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज करने की मांग की गई, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक या राज्यसभा मैम की सांसद हमारी ने कोई भी यहाँ बात नहीं की, और अब हम पिछले लगभग 2-3 महीने से एजिटेशन के रूप में भी हम धरना, यहाँ पहले एक दिन धरना दिया गया और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप लगभग 20 दिन का समय हमें दीजिए तो हम ठहरनों का ठहराव करवाएंगे, लेकिन पिछले 20 दिन से भी हम पत्राचार के द्वारा और यहाँ हड़ताल करके बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा अभी तक हमारी मांग को पूरा करने के आश्वासन ही सिर्फ दिए जा रहे हैं, कोई आश्वासन ये नहीं कहा जा रहा कि आपकी ट्रेनें जब से रुकने शुरू हो जाएंगी। और जब भी हम यहाँ, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो आने वाले कुछ दिनों में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें रेल रोको भी हो सकता है। धरना तो जनाब हम कोई देके खुश नहीं थे, लेकिन सरकार की नीतियों के देखते हुए हमें धरना देने पर हमें मजबूर किया गया है, इस सरकार ने मजबूर किया है हमें। इस सरकार ने हमारे पास कम से कम 120 साल पुराना ये स्टेशन है, 1905 का बना हुआ, हमारी 4 पीढ़ियों से यहाँ बुजुर्ग आते जाते हैं,
हिसार स्टेशन जो है वो शहर जो है वो एक हमारा शिक्षा का हब है, हॉस्पिटल भी वहाँ हैं, हमारे सभी यात्री वहाँ आते जाते हैं और हमें जाने के अंदर हमें 20 गांव के लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं, इसलिए हम इस रेल को रुकवाना चाहते हैं। और जो कि हम कोई नई मांग नहीं है हमारे पास सरकार के लिए, कोई नई मांग मांगते हो, हम हमारी पुरानी अंग्रेजों के टाइम की जो रेल चलती थी वो रेल रुकवाना चाहते हैं, ना कि हम सरकार से कोई नई मांग चाहते। पहले कितनी ट्रेन रुकती है? यहाँ 5 ट्रेन आती और 5 जाती यहाँ रुकती थी, अब यहाँ सिर्फ 1 ट्रेन आती और 1 जाती रुकती है, जो कि 8:30 बजे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए 8:30 बजे जब यहाँ से चढ़ेंगे तो वो 11 बजे पहुँचेंगे, उनके लिए स्कूल और कॉलेज में कहाँ बढ़ेंगे वो। हमारे लिए फीजी वगैरह में वहाँ बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है, हमारी लड़कियाँ घर पर बैठी हैं, हमारे बच्चे जो है वो इलाके के घर पे बैठे हैं, इन्होंने पढ़ाई को ख़त्म करने का ये एक षड्यंत्र रचा हुआ है। तो कितने यात्री यहाँ यात्रा करते हैं? यहाँ यात्रा करने के लिए कम से कम सैकड़ों की संख्या में, यानी सैकड़ों की संख्या का मतलब है कि आने और जाने में 1000 से ऊपर लोगों का आना और जाना यहाँ डेली रोज आना जाना होता है। कब तक धरना रखेगा? धरना जब तक ये रेल नहीं रुकेगी, जब तक हम ये अपने धरने को जारी रखेंगे। अगर नहीं मानी सरकार नहीं मानी तो हम रेल को ट्रक को हम रोक भी सकते हैं, ये सरकार की मांग, हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं मानेगी तो हमें मारे या छोड़े, हम तो मार तो यानी मर तो चुके ही हैं, हम जिंदा रह के भी क्या करेंगे। हम जब 4 पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने रेल चलाई और अब आने वाली हमारी नस्ल आज अगर जो ये बर्बाद करने जा रही है सरकार, जब 700 की आबादी गांव ललोदा पिरसड़ा और डांगरा की होती थी जब तो रेल रुकती थी, आज हमारे इन तीनों गांव के अंदर 8-8 हज़ार से ऊपर की आबादी है, शर्म नहीं आती सरकार को कि भी सरकार कर क्या रही है और सरकार इसके और ध्यान नहीं दे रही। हमने सुनीता दुग्गल जी को कम से कम 3-4 बार लोग मिल चुके हैं, चौधरी छबीलदास जी हरियाणा रीजन कल्याण निगम के चेयरमैन का स्क्वायर हुआ था, वहाँ बैठने के लिए आए थे और उस वक्त भी हमारे 5-7 गांवों के सरपंचों ने जाकर के उनसे स्पेशल बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी ये ट्रेन का ठहराव नहीं है।